हेलो पीपल, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक बहुत कॉमन क्वेरी आ रही है जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है उनसे भी और बाकियों से भी एक कॉमन क्वेरी आ रही है, तो मैंने सोचा उसको एड्रेस कर दिया जाए यहाँ पे। सर, एंड मोमेंट पे एसएम को अगर मैं छोड़ दूँ तो चलेगा क्या? सर, मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ है अच्छे से, या मैंने पढ़ा भी हुआ तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर, मेरा थ्योरी पार्ट वीक है, या सर इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बताइए कि झट से ऐसा 1 घंटे के अंदर में बस, मतलब ऐसा सर कुछ ऐसा नाम का जाप बताइए कि मैं कर लूं और मुझे पूरा एसएम याद हो जाए। तो यही क्वेरी को एड्रेस करने के लिए मैं आ रहा हूं। आई विल टेल यू देयर इज नो शॉर्टकट फॉर स्टडिंग एसएम या स्टडिंग थ्योरी पार्ट पहले तो, राइट? आप बोलेंगे सर आप वापस क्या, मतलब आप सर क्या बोल रहे हो ऐसा? इस मोमेंट पे सर हमें जरूरत है कुछ मोटिवेशन की। काफी मोटिवेटिंग वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी बना रहा हूं मैं, जो फैक्चुअल बेस्ड है, जो जरूरी है इस मोमेंट पे आपको जानना। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक्स चेक कर सकते हैं, बट यार जो सच है वो सच है। मैं आपको चाहूं तो ऐसा बोल सकता हूं यार ये टेक्निक फॉलो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी दिखाई देंगे। बट मैं आपको बता दूं, देयर इज नो शॉर्टकट। आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें ध्यान पर रखनी है थ्योरी पार्ट के लिए, जो मैं बार 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 मल्टीपल टाइम्स क्लासेस में बताया करता था, बट उसका कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा जी, ठीक है? शॉर्टकट सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि एसएम का थ्योरी, यानी कि एसएम पूरा ही थ्योरी है, एसएम आपने स्किप नहीं करना है। ओएमएसएम आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पूरा ग्रुप 2 बचा सकता है या दोनों ग्रुप्स भी बचा सकता है। तो सर ओएम काफी है ना उसके लिए? नहीं बेटा जी, आपको एसएम के आंसर देने पड़ेंगे। भले 40 में से 10 मार्क्स मिले, 20 मार्क्स मिले, बट पूरा 40 का 40 अटेम्प्ट करके आना है। थ्योरी की एक खासियत है, मार्क्स पूरे तरीके से जीरो नहीं हो जाते प्रैक्टिकल के जैसे, स्टेप खत्म 0 मार्क्स नहीं, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो आप लिख रहे हो। तो आपको थ्योरी में कुछ ना कुछ पॉइंट्स 5 मार्क्स के आंसर में 1-2 पॉइंट पक्का मिलने वाले हैं। तो आपने एसएम का थ्योरी या एसएम को नहीं छोड़ना है, सबसे पहली बात, और ये एकदम बात को फिक्स कर लो। तो सर जितने दिन बाकी है उसमें क्या करें? 3 स्टेजेस में आंसर दूंगा, आप जितना समय दे सकते हो उसके हिसाब से पहला स्टेज, दूसरा या तीसरा, तीनों तक पहुंच सकते हो, 2 तक पहुंच सकते हो, पहला स्टेज ही पहुंच सकते हो। पहला स्टेज ये है कि आपके लिए मैंने चार्ट बुक बनाया हुआ है, 3-4 चैप्टर जो भी है एक एक पेज में यहाँ पे फिट किए गए हैं, आप इसमें से चीजें चेक कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने आज से पहले एसएम पढ़ा हुआ है। अगर आज से पहले एसएम नहीं पढ़ा हुआ है तो आपने जाकर के एसएम का मैराथन देखना है, जिसमें मैंने एसएम को काफी अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, लगभग 1.5 घंटा पर चैप्टर है, तो आपको उतना समय देना पड़ेगा अगर आपने एसएम को हाथ ही नहीं लगाया है और आपके पास ऑप्शन नहीं है। 1 दिन 2 दिन कम सो जाइए, एसएम पूरा करके जाइएगा, ठीक है? कंपलसरी, बिकॉज एसएम काफी ज्यादा वेटेज कैरी करता है 40 मार्क्स का न्यू सिलेबस के अंदर में, ठीक है? ये हो गया, ये स्टेज 1, ये तो करना ही करना है। स्टेज 2 ये है कि सर ये करने बाद पॉइंट्स तो याद आ जाते हैं। अच्छा, पॉइंट लर्न करने की कोशिश मत करिएगा। आज से लेकर के आज 3 तारीख में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपका एग्जाम 10-11 तारीख को है, आज से सभी 5-6 दिन जितने भी आपके पास है रोज एक बार आपने इसको रीड करना है। आपको एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम 7-8 मिनट्स लगेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो इसका ऑडियो रिविजन रेडी है, यूट्यूब पे ही आप जाकर के प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं मैं। आपने कंपलसरी उसको सुनना है, आधे घंटे के ऊपर नहीं लगेगा तीनों चैप्टर के लिए, तीनों चैप्टर एक बार सुनने हैं रोज आज से लेकर के एग्जाम के डेट तक, ठीक है? उसमें काम हो जाएगा, लर्न करने की कोशिश मत करना। एक हाथ कंसेप्ट जो नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, उतना पार्ट आप वीडियो में जाकर के देख सकते हो। सभी कंसेप्ट नहीं आता है तो पूरा वीडियो देखना वर्थ नहीं है, आप रिकॉल करने की थोड़ी सी कोशिश कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर पहला स्टेज आप पार करके आते हो, दूसरी चीज है कंपाइलर। कंपाइलर में हर चैप्टर के, 3 चैप्टर के लगभग 45 क्वेश्चन है, आपने कंपलसरी देखने हैं। सर व्हाट अबाउट चैप्टर फॉर डिजिटल स्ट्रेटजी, एमक्यूपी, यानी कि आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने हैं, उसकी लिंक भी डाल देता हूं चैट बॉक्स में। आपने यहां पर देखा होगा अगर मैंने, तो यहां पर हर एक चीज को अंडरलाइन भी किया हुआ है, मतलब बोल्ड किया हुआ है, बेसिकली जो आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मार्क्स भी दिए हुए हैं और सब क्वेश्चंस यहां कवर किए हुए, सभी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। तो आपने एक बार विदाउट फेल इन क्वेश्चंस के ऊपर नजर घुमानी है, कम से कम एक बार अगले 5 से 6 दिनों में, ज्यादा कर सके तो बढ़िया है, एक बार तो पक्का करना है, ठीक है? क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स देख करके जाने है, ये स्टेज 2 है। अगर पहला पार कर तो ही दूसरे पे आइएगा, नहीं तो दूसरे पे आने की जरूरत नहीं है। ये खुद से नहीं कर पा रहे, इसका वीडियो चाहिए, 4 घंटे का वीडियो रेडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, ठीक है? तीसरी चीज इसके बाद हो सकती है, सर पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं, मेरे पास अभी सामने फाइल नहीं है, बट मैंने हर चैप्टर में आपको कुछ मार्क्ड चीज दी हुई है, कुछ चार्ट दिए हुए सर, चार्ट, ये चार्ट बुक वाले, इससे भी डिटेल चार्ट दिए हुए जिसमें आपको अंदर का मसाला होगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के चार्ट दिए हैं, चैप्टर 3 चैप्टर 4 मॉड्यूल में हाईलाइट करके दिया हुआ है, उतने पॉइंट्स आप चेक कर सकते हो फटाफट से, 10 से 15 मिनट लगेंगे एक चैप्टर को, जहां पे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा मसाले वाइज, जो पॉइंट्स के अंदर में कंटेंट लिखना है उसके हिसाब से। तो आपने ध्यान देकर के उस चीज को भी कवर करना है अच्छे से, वो तीसरा स्टेज है। तो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो पहला स्टेज करके जाइए, जितना आया बढ़िया है। दूसरा स्टेज अगर पहले का बाद आपको समय मिलता है तो ही, तीसरा स्टेज अगर दूसरे के बाद समय मिलता है तो ही, ठीक है? मसाला तो यहां से भी आपको मिल जाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो शॉर्टकट, सच में आपको बता रहा हूं बेटा, मतलब लिटरली मैं आपको बोलता हूं, देयर इज नो शॉर्टकट, आपको इतना करना ही पड़ेगा। अब समय समय की बात है, समय ज्यादा है करिए, नहीं है तो कम करिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।